असलम वेलकम टू आर चैनल आज की वीडियो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर में आने वाले एक्टिव पैसिव एम सी क्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड सो लेट स्टार्ट इन क्वेश्चन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि पेपर में एक्टिव वाइज सेंटेंस गिवन होगा और नीचे चार ऑप्शन होंगी जिसमें कैंडिडेट को ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट पैसिव वाइज सेंटेंस है इन चार ऑप्शन में से सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आएगा हमने ये देखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है ताकि हम पैसिव में अकॉर्डिंग टू द एक्टिव पैसिव रूल्स उसको देख सकें कि कौन सा इससे रिलेटेड पैसिव सेंटेंस है और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन करने से पहले उनके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको एक्टिव पैसिव के रूल्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो ऊपर आपको आई टैब नजर आ रहा है मैंने एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाई है तो एक दफ़ा आप अगर उसको देख लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे सो नाउ कम टू दिस सेंटेंस सम बॉयज़ वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन सो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर यूज़ हो रहा है दैट मीन कि जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस है हम जब इस सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें द वाउंडेड मैन जो है वो आ जाए एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज बींग देन थर्ड फॉर्म यूज़ होगी ऊपर हेल्पिंग है तो दैट मीन हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प होती है देन बाय और फिर जो सब्जेक्ट है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा सम वॉयस सो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट पैसिव सेंटेंस है वो है बी फर्स्ट में देखें तो उसमें हमारे पास इज़ यूज़ हो रहा है तो इज़ हेल्पिंग वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा इस सेंटेंस का एज अ पैसिव सेंटेंस सी ऑप्शन देखें तो उसमें भी बाय का यूज़ नहीं हो रहा और हेल्पिंग वर्ड भी वॉज बींग नहीं है और डी में अगर देखें तो उसमें भी जस्ट वॉज यूज़ हुआ वह बींग नहीं इस्तेमाल किया गया तो दैट मीन इसका जो ट्रू ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ही विल फिनिश द वर्क इन आ फोर नाइट अब ये जो सेंटेंस है वो हमारे पास सिंपल uh, फ्यूचर में है और जब हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव सेंटेंस तो जो हेल्पिंग वर्ड विल है उसकी जगह हम विल बी का यूज़ करते हैं या विल और शेल को हम विल बी और शेल बी में चेंज कर देते हैं सो so, अगर हम देखें कि इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इन टू पैसि सेंटेंस अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है अब ऑब्जेक्ट है द वर्क द वर्क जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा सो द वर्क विल बी फिनिश्ड इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो फिनिश की थर्ड फॉर्म जो है वो फिनिश्ड है सो द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर नाइट अब इसमें हमने हिम क्यों लगाया बिकॉज जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही उसको जब हम पैसिव में शिफ्ट करेंगे तो वो एज अ ऑब्जेक्ट जब आएगा तो ही को हिम में लिखा जाता है ठीक है देन उसके बाद हम इन आ फोर नाइट लिखेंगे अगर हम बी ऑप्शन देखें इसमें भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं लिखा हुआ सेंटेंस सी में भी देखें तो इसमें भी कुछ uh, कमी है बाय नहीं लिखा गया और थर्ड को भी अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं राइट किया गया सो दैट्स वाई इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वाई डिड योर ब्रदर राइट सच आ लेटर अब इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें आ, रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि हम जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उनको एज इज़ लिखा जाता है जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें वाई को एज इट इज रखेंगे ये जो हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है ये है पास्ट सिंपल पास्ट है सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करते हैं इनटू पैसिव तो इसमें वर्ज़ और वर का इजाफ़ा किया जाता है हेल्पिंग वर्ब वाई वॉज या वर लगाते हैं सो वाई वॉज अगर आप सी देखें किस तरह से ऑप्शन करेक्ट है वाई वॉज सच आंटेंस में जो ऑबजेक्ट uh, है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा सच आ लेटर रिटर्न बाई यू और जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर वो एज़ आ ऑबजेक्ट जब आएगा पैसिव में तो वो योर ही रहेगा सो so, इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है ऑप्शन सी और बाकी तीन किस तरह से करेक्ट नहीं है अगर फर्स्ट पर गौर करें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है सो so ये भी रॉन्ग होगा सेकंड में हैड लगाया हुआ हैड भी नहीं लगाते हैं और अगर हम डी ऑप्शन देखें तो उसमें शुड का यूज़ किया गया है जबकि हम uh, इसको इसमें शुड का इजाफा नहीं करते हैं सो so दैट्स वाई इसकी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो है ऑप्शन सी नेक्स्ट सेंटेंस इज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम सो इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस तो इम्पेटिव सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो लेट से स्टार्ट किया जाता है या जब हम इसको कह सकते हैं जब इसको कन्वर्ट करते हैं इन टू सेंटेंस तो हम लेट का यूज़ करते हैं सो इट्स ट्रू ऑप्शन इज़ फर्स्ट दैट इज़ लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वाई हैज़ ही पनिश्ड मी सो so, इसका जो ट्रू ऑप्शन होगा इसमें भी हमने देखा था जो ऐसे सेंटेंसेज डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव सेंटेंस तो डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं सो इन दिस पैसिव फॉर्म वाई हैव आई बीन पनिश्ड बाई हिम सो इसमें हैज को कन्वर्ट करेंगे इंटू हैव बीन में एंड मी चेंज हो गया आई में पनिश्ड थर्ड फॉर्म थी वो एज इट इज रहेगी एंड बाय ही को हमने चेंज कर दिया हिम में So, its true option is option number two. Next sentence is the teacher was teaching us a new lesson. So, ab, we so convert it into passive sentence, so uh, we were was converts into were being taught a new lesson by the teacher. Again, use of third form of verb, and was will be changed into verb being. एंड यूज ऑफ बाई एंड द टीचर जो सब्जेक्ट uh, है एक्टिव का वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट एज अ पैसिटेंस इन पैसिव सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर डिस्टर्बिंग मी तो इसके जो करेक्ट पैसिव फॉर्म है वो है आई एम बींग डिस्टर्बड बाई यू आर की जगह हम यूज़ करेंगे एम बींग मी को चेंज किया आई में डिस्टर्ब्ड बाई यू विल बी एज इट इज़ As you. Next sentence is She has written two books, and its correct passive form is Two books have been written by her. She converts into her two books and has changed into have been. Next sentence is Did he buy a car? एंड इट्स करेक्ट पैसिव सेंटेंस इज़ वॉज़ अकार बॉड बाई हिम तो ये हमारे पास जो एक्टिव सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट में एंड जब इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू पैसिटेंस तो हम वॉज का यूज़ करेंगे वॉज एज अल्पिंग वर्ड यूज़ होगा एंड उसके बाद अकार बाई की थर्ड फॉर्म बॉड बाई हिम ही को चेंज कर देंगे हिम में नेक्स्ट सेंटेंस इज वॉइस वर सिंगिंग सॉन्ग्स नाउ इट्स करेक्ट पैसिव फॉर्म इज संग व इसमें वर् जो है वो चेंज हो जाएगा इन टू वर्ड बींग में सॉन्ग्स एज अ सब्जेक्ट यूज होगा सिंग की थर्ड फॉर्म में संग बाय बॉयज नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड कलेक्टेड स्टेप्स जब इसको हम पैसेफ में कन्वर्ट करेंगे And then it, its sentence will be stamps had been collected by him. Had ki hum had been used karenge, collected third form he ge, and by and then he could change kardenge him. Next question is they will arrange the party. And its correct passive form is the party will be arranged by them. सो विल को चेंज करेंगे हम वि मेम एंड अरेंज विज इट इज बाय दे को चेंज कर देंगे दैम में सो द पार्टी विल भी अरेंज बाय दैम इज़ अ करेक्ट करेक्ट पैसिव फॉर्म नेक्स्ट सेंटेंस इज़ शी क्लीन द टेबल विद अ फीदर डस्टर एंड इट्स पैसिव सेंटेंस इज द टेबल वॉज क्लीन विद अ फीदर डस्टर बाय हर इसमें क्या होगा क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन ही होगी एंड और जो सेंटेंस है हमारे पास ये सिंपल पास्ट में है और इसको चेंज किया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में नेक्स्ट सेंटेंस इज सिंग अ सॉन्ग एंड इट्स पैसिव फॉर्म इज लेट अ सॉन्ग बी संग सिंग की थर्ड फॉर्म है संग और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसको जब हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्ट में लेट लगाते हैं जब इसको हम चेंज करते हैं इनटू पैसिव फॉर्म नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स एंड इट्स करेक्ट पैसिव फॉर्म इज़ वेयर कैन दिस बॉक्स बी हिडन बाय यू नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यू आर डिस्टर्बिंग मी सो इट्स करेक्ट पैसि फॉर्म इज आई एम बींग डिस्टर्ब बाई यू सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो थी एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एम सी क्यूज़ की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड थैंक्स फॉर अल्लाह वॉचिंगाफिज